आमिर खान के साथ किसिंग सीन को 24 सालों बाद करिश्मा कपूर क्यों याद कर रही हैं? राजा हिंदुस्तानी के लिए करिश्मा कपूर के अलावा किन किन हीरोइनों के पास प्रस्ताव भेजा गया था? आमिर खान ने 1 लीटर वोदका क्यों पिया था? क्या इस फिल्म का सिक्वल बन सकता है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग रात के फिल्मी गलियारे में। राजा हिंदुस्तानी 1996 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था धर्मेंद्र दर्शन ने। ये फिल्म 1965 की जब जब फूल खिले का रिमेक थी। जब जब फूल खिले के रिमेक में शशि कपूर और नंदा ने काम किया था। राजा हिंदुस्तानी में संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और इसके बोल लिखे थे समीर ने। रिलीज होने के बाद ये वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसने 7 स्टार स्क्रीन पुरस्कार सहित 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। करिश्मा कपूर के किरदार के लिए पहले जूही चावला को प्रस्ताव दिया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय का भी मंथन किया गया था। 90 के दौर में बॉलीवुड की सबसे चर्चित और जबरदस्त स्टारडम हासिल करने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इन दिनों फिल्मों से दूर है। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ इवेंट्स में जरूर दिखाई देती है लेकिन काफी समय से फिल्मों में नहीं आई है। हाल ही में उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज मेंटल हुड के जरिए कदम रखा है। इसे करिश्मा का कमबैक माना जा रहा है। इसी वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान करिश्मा कपूर ने अपनी फिल्म राजा हिंदुस्तानी के दौर को याद किया और आमिर खान के साथ किसिंग सीन से जुड़ी कुछ बातें शेयर की। हाल ही में उन्होंने मेंटल हुड के प्रमोशन के सिलसिले में करिश्मा कपूर ने फिल्म क्रिटिक्स राजीव मसंद को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान साल 1996 में आई सुपरहिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आमिर के साथ अपने किसिंग सीन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि ये किसिंग सीन शूट करने में उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस सीन को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लंबे किसिंग सीन में गिना जाता है। करिश्मा कपूर ने बताया कि राजा हिंदुस्तानी को लेकर बहुत सारी यादें हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इस किसिंग सीन को लेकर काफी चर्चा हुई थी लेकिन शायद लोग नहीं जानते कि इस सीन को पूरा करने के लिए हमें 3 दिन लग गए थे। मैं ये सोच रही थी कि कब खत्म होगा ये किसिंग सीन क्योंकि फरवरी के महीने में ऊटी में इतनी ठंड थी और शाम के 6 बजे ये सीन फिल्माया गया था और मैं ठंड के मारे कांप रही थी। और करिश्मा कपूर को आज भी याद है कि इसकी शूटिंग के दौरान किस कदर ठंड ने उन्हें परेशान किया था। करिश्मा कोहली के निर्देशन में बनकर तैयार हुई वेब सीरीज मेंटल हुड में करिश्मा कपूर के अलावा संजय सूरी, संध्या मृदुल, डीनो मारिया, शिल्पा शुक्ला, श्रुति सेठ और तिलोत्तमा सोम जैसे कई स्टार अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में करिश्मा मल्टीटास्किंग मदर का किरदार निभाते दिखाई देंगी जिसे अपनी जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता। राजा हिंदुस्तानी फिल्म के गाने तेरे इश्क में नाचेंगे के लिए आमिर खान ने 1 लीटर वोदका पिया था। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे जो आज भी सुनने को आपको मिल जाएंगे अगर आप बस में और टैक्सी में सवार होते हैं तो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या राजा हिंदुस्तानी का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं।